Hello everyone, welcome to Unismart Tutorials. So today I am going to start question number 2 of exercise 3.1. आज मैं आपको 3.1 का second question कराऊंगी. So watch this video till end, do like, comment and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos. So question number 2 is, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls. So, जो कोच था क्रिकेट टीम का उन्होंने 3 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी. 4 रुपीज 3900 रुपीज का उन्होंने खरीदा सामान. लेटर शी बायस अनदर बैट. फिर उन्होंने एक बैट और खरीदा और 3 मोर बॉल्स खरीदी ऑफ द सेम काइंड, उसी तरीके की 4 रुपीज 1300. सो हमें इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली भी और एल्जेब्रिकली भी. सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस को फॉर्म कर लेते हैं. सो हम लेट कर लेते हैं कॉस को बैट और बॉल की एक्स एंड वाई. सो लेट the cost of bat, bat की cost हम मान लेते हैं कि वो x है, and the cost of ball be y, कि जो ball की cost है वो y है. अब according to question हमें बोला था कि उन्होंने 3 bats खरीदे हैं, so हो गया 3x और ball कितनी खरीदी है 6 balls, so ये जगह 6y is equal to 3900 rupees. So, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कॉमन है मेरा. सो 3 कॉमन ले लूंगी. सो ये बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू रुपी 3900. सो 3 मल्टीप्लाई में जब ये शिफ्ट होगा दूसरी साइड पे तो ये हो जाएगा डिवाइड. सो हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 1300. सो हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब हमें अपनी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करनी है. सो उसमें हमें बोला था कि उन्होंने अनदर बैट खरीदा और बॉल खरीदी है. सो बैट एक्स हो गया और बॉल्स कितनी खरीदी है 3 मोर बॉल्स. सो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू रुपी 1300. ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब हम इसकी एक्स और वाई वैल्यू पुट करके देखेंगे ताकि हम अपना ग्राफ प्लॉट कर पाए. सो सबसे पहले हम टेबल बना रहे हैं. यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y. अब जब मैंने यहां पे x में अगर मैंने पुट करा अपना 300, x में अगर हम 300 पुट करते हैं सो 300 उधर जाके माइनस 300 हो जाएगा, यहां बचेगा 1000. फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा 500. ऐसे होगा. अब हमें y में पुट करना है. अगर मैंने y में यहाँ पे पुट कर दिया 300, अगर मैं 300 y में पुट कर देती हूँ सो ये हो जाएगा 600 और 600 उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो 1300 माइनस 600 है 700. सो ये पॉइंट्स आ गए मेरे फर्स्ट इक्वेशन के लिए. ऐसे अब मैं अपनी सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करूंगी. तो इसके लिए भी हम टेबल फॉर्म कर रहे हैं. ये हो गया x, y. सो यहाँ पे हमने क्या करा, x में हम पुट करें अगर 100. सो x में अगर 100 पुट करा सो 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1200 और 3 से जब वो डिवाइड होगा सो हो जाएगा हमारा 400. अब हम y में अगर हम पुट कर देते हैं अपना 300, सो 3 × 300 इज 900. अगर y में हमने पुट करा है 300, सो 900 जब उधर जाके माइनस होगा सो हमारे पास बचेगा ये 400. सो यहाँ पे मेरे ये पॉइंट्स आ चुके हैं. अब हमें इसे कहाँ प्लॉट करना है, अपने ग्राफ पे. सो अब हम इसका बना रहे हैं यहाँ पे ग्राफ. सो मैं आपको सिर्फ एक रफ डायग्राम सिखा रही हूँ कि रफली कैसे बनाएंगे. जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल सही बनेगा. अब हम देख लेते हैं हमें y पे कहाँ तक पॉइंट चाहिए. लास्ट मेरा 500 बिगर वैल्यू है. सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 100 के याद में. 100 200 300 400 500 600 700. और हम नीचे भी ले लेते हैं -100 -200 -300 -400 -500. इसे यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं y डैश. अब हम x पे देख लेते हैं हमें चाहिए 700 तक.
बिगर वैल्यू 700 है. सो यहाँ पे हम लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस. यहाँ ले लेते हैं -100, -200, -300, -400, -500, -600. ये हो गया हमारा एक्स डैश. अब हम इसे प्लॉट करेंगे अपने पॉइंट्स को. यहाँ पे सबसे पहले x पे 300 था, y पे 500. सो x पे 300 और y पे 500. सो ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा. ये हमारा x पे 300 और y पे 500. नेक्स्ट पॉइंट था x पे 700, y पे 300. सो x पे 700, y पे 300. सो ये पॉइंट हमारा यहाँ लाई करेगा 700, 300. इसको अब हम कर देते हैं यहाँ पे जॉइन. ये हमारी लाइन हो गई x प्लस, सॉरी ये हो गई हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. अब हम ये वाला पॉइंट मार्क करते हैं x पे 100, y पे 400. x पे 100, y पे 400. ये हो गया 100, 400. और नेक्स्ट हमारा x पे 400, y पे 300. x पे 400, y पे 300. सो ये कुछ हमारा इस तरीके से जॉइन होगा. सो ये हमारी लाइन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300. अब आप देख रहे हो ये मैंने रफली डायग्राम बनाया है, सो ये यहाँ पे मीट नहीं कर रहा है. लेकिन जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे सो ये आपकी लाइन दोनों एक जगह जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी. सो इस तरीके से हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इसे सॉल्व करते हैं. आई होप सेकेंड क्वेश्चन इज नाउ क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है. आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस.